दोस्तों यह है 12 वोल्ट का डबल बूस्टर बैटरी चार्जर। दोस्तों इस बैटरी चार्जर को आप 12 वोल्ट के बैटरी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और 24 वोल्ट के बैटरी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। 17 एम्पीयर में आप चार्जिंग दे सकते हैं और ड्यूल मोड में आप 34 एम्पीयर में भी इसकी चार्जिंग दे सकते हैं। इस वीडियो के बाद में हम सब कुछ इस ट्रांसफार्मर को तैयार करने के बाद आपको दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है, सिंपल मोड में और ड्यूल मोड में, दोनों मोड में कैसे काम करता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में भी बिल्कुल कुछ भी मिस ना करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों ये 45 AH की बैटरी से लेके 360 AH की बैटरी तक को भी बड़े फास्ट तरीके से चार्जिंग कर सकता है। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं 360 AH की बैटरी जो होती है वो कैसी हुई। अगर आपके पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है जो 180 AH की है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाता है वो 360 AH हो जाती है। तो दोस्तों इस चार्जर के ऊपर 360 AH की बैटरी को भी बड़े आसानी से ड्यूल मोड पर चार्जिंग किया जा सकता है, वो भी बड़े फास्ट तरीके से। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को हम 8 स्टेप में आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों कई जगह जो हमारी वोल्टेज होती है कम होती है और कई जगह हमारी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। कई बार हम चार्जिंग को दोस्तों किसी और जगह ले जाते हैं तो हमारे वोल्टेज कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको 8 स्टेप के ऊपर वाइंडिंग करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी एम्पीयर के ऊपर आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं बैटरी को। अब दोस्तों इसके लिए जो हमने बोबिन लिया है वो है 2 इंच, और दोस्तों इसमें जो कोर यूज़ करेंगे वो 7 नंबर की कोर है हमारी। और दोस्तों इसमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, मैं A to Z आपको सारा सामान के बारे में इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम जो सीट लेंगे वो 10 नंबर की सीट, अगर इसमें 7 नंबर की हम सीट लें, 7 नंबर की सीट हमारी पतली हो जाती है, जो ट्रांसफार्मर की हमारी जो वायर होगी सेकेंडरी वायर वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए आप 10 नंबर की सीट को यूज़ करें, इससे आपके ट्रांसफार्मर की क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और दोस्तों इसमें स्लीव कौन सी लगेगी, 1 नंबर की एक स्लीव और दोस्तों 2 नंबर की एक स्लीव। और दोस्तों इसमें एक टेप, और इसमें ई का कुल कितना वज़न होगा जो हमारी इसमें ई यूज़ होगी, उस ई का हमारा वेट होगा 4 किलो 200 ग्राम के करीब हमारी ई लग सकती है। अगर उसकी मार्केट में प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में से इसकी ई मिल जाती है। अब दोस्तों ई के बाद इसकी प्राइमरी की जो वायर है उसका वज़न कितना है, जो तार है उसका वज़न कितना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी है प्राइमरी वायर है उसका वज़न है 700 ग्राम के करीब, अगर आप कॉपर लेंगे। अगर दोस्तों आप एल्युमिनियम लेंगे तो 250 ग्राम के करीब आपकी एल्युमिनियम इसमें यूज होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी आई की, जो हमारी आई है ट्रांसफार्मर में 2 इंच के जो बोबिन में हमारी आई लगेगी वो 1 किलो 600 ग्राम के करीब हमारी आई इसमें यूज़ होगी। अब दोस्तों 2 क्लंप लगेंगे 7 नंबर के, इसमें दोस्तों मार्केट में उसका प्राइस है 2 क्लंप का 20 रुपये के करीब। अब दोस्तों इसमें 4 नट यूज़ होंगे जो कम से कम 2.5 इंच लंबे और 10 नंबर के, जो बचता है उसको आप काट दें। इसके अलावा हमारी 100 ml वार्निश आप ट्रांसफार्मर के बोबिन के ऊपर अच्छी तरह से भिगोएं बोबिन को, ताकि पूरी तरह से आपकी वार्निश जो वायर के ऊपर है वो सेट हो जाए। अब दोस्तों इसकी सेकेंडरी जो हमारी है उसका वेट कितना होगा, हमारी सेकेंडरी का वेट होगा 800 ग्राम के करीब अगर आप कॉपर लेंगे, अगर आप एल्युमिनियम लेंगे तो 300 ग्राम के करीब होगा, अगर आप ओनली 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे तो उसके लिए आपकी 400 ग्राम के करीब कॉपर लगेगी। अब दोस्तों इसके अलावा इसमें हमारे 10 डायोड लगेंगे, क्योंकि 10 डायोड क्यों लगेंगे हमारे, वो ड्यूल मोड चार्जिंग के कारण इसके ऊपर 10 डायोड लगेंगे, वो भी 6 एम्पेयर के, 6 एम्पेयर के। एक डायोड की मार्केट की जो कीमत है दोस्तों वो 4 रुपये के करीब है आपकी।
अब दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या इसमें यूज होगी। इसके अलावा इसमें 2.5 mm की 1 मीटर की तार और 2.5 mm की 1 मीटर की रेड तार, एक ब्लू ले, एक रेड ले, या एक ब्लैक ले, एक रेड ले, रेड जरूर ले दोस्तों, चाहे आप ब्लैक ले चाहे ब्लू ले। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारी कॉपर है वायर ये काफ़ी हार्ड है, इसलिए काफ़ी हार्ड होने के कारण ये ट्रांसफार्म के ऊपर अच्छी तरह से लपेटी नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल होती है। अब दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपके पास जोड़ आ जाता है दोस्तों कोई, तो उस जोड़ के ऊपर आप पेपर लगाएं ऊपर भी और नीचे भी उसके। दोस्तों हमारा जो चार्जर है वो लगभग 100% पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। अब इसको की दोस्तों चेकिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें कोर फिट करेंगे। कोर फिट करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर डर्ट लगाएंगे। डर्ट लगाने के बाद इसकी पूरी चेकिंग करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं कि 17 एम्पीयर के ऊपर कैसे चार्जिंग होता है, हम जो हमारा बैटरा है ये चार्जर जो है 17 एम्पीयर पे कैसे चार्जिंग करता है और 34 पे कैसे चार्जिंग करता है। दोस्तों इस पे हमारी 12 नंबर की तार यूज की है सेकेंडरी के लिए। अब दोस्तों हमारी जो कॉइल है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर पेपर लपेटते हैं 10 नंबर की सीट, और आप देख सकते हैं हमारी जो कोर है वो इसके अंदर आ सकती है पूरे सही तरीके से, क्योंकि जो हमारा बोबिन का साइज है, जो हमारी वायर है उसके अंदर है, बोबिन के साइज के बिल्कुल बाहर नहीं आई। इसके मतलब आप भी जो ट्रांसफार्म है वो सही तरीके से वायरिंग कर सकते हैं इसे देख के। अब इसके ऊपर टेप लगाते हैं। टेप लगाने के बाद इसको निकालते हैं मशीन के ऊपर से। अब टेप जो इसके ऊपर लगा दी गई है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये 0, 12 और 24, या आप इसको मान सकते हैं 12, 0, 12, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कोर डालते हैं। कोर डालने के बाद इसकी चेकिंग करेंगे। अब दोस्तों इसकी फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों हमने इसकी प्राइमरी में 20 नंबर की वायर को यूज किया है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास जो बैटरा है 150 AH का बैटरा है, और हमने इसको ओनली सिंपल मोड पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं जो इसकी लेफ्ट की पिन है उस पर हमने डायोड लगा दिए हैं, और जो हमारी बीच की पिन है वो पॉजिटिव की है, और जो हमारी लास्ट की पिन बची है वो खाली है, वो 24 वोल्ट के लिए है। दोस्तों जो इनपुट वोल्टेज है हमारे पास ट्रांसफार्मर में आ रही है 246 वोल्टेज। अब इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं 246 वोल्ट की। अब देखिए दोस्तों 6 एम्पीयर के करीब दूसरी पिन पे, 8 एम्पीयर के करीब तीसरी पिन पे, 9 एम्पीयर के करीब, फिर हमारी 10 एम्पीयर के करीब, ये हमारी हो गई 11 एम्पीयर के करीब, और अब हमारी 15 एम्पीयर के करीब। अब दोस्तों इसका ड्यूल मोड फर्स्ट चार्जिंग डबल मोड अब इसका देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। अब हमारे पास जो इनपुट सप्लाई है वो 258 वोल्ट के करीब है। आप चाहें तो इस मोड पे भी बैटरी को चार्जिंग दे सकते हैं। अब देते हैं ट्रांसफार्मर को सप्लाई। अब देखिए दोस्तों कितने एम्पेयर हैं, 10 एम्पेयर फर्स्ट पिन पे हमारी, फिर हमारी 12, 12 एम्पेयर, फिर हमारी 13 एम्पेयर, फिर हमारी ट्रांसफार्मर के 15 एम्पेयर,
फिर 18 एम्पियर, उसके बाद 22 एम्पियर। अब दोस्तों देखिए 24 एम्पियर, अब दोस्तों 28 एम्पियर। दोस्तों हमारा बैटरी लगभग ये फुल है, इसलिए यहाँ पर हमारे 34 एम्पियर भी पूरे दिखाता है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।